दोस्तों आज हम बात करेंगे एक क्राइम ड्रामा फिल्म के बारे में जो पिछले साल की सबसे बेहतरीन फिल्म्स में से एक है। ये इस साल बेस्ट पिक्चर के लिए नॉमिनेट भी हो चुकी है। मैं बात कर रहा हूँ पिछले साल आई नेटफ्लिक्स फिल्म द आयरिशमैन के बारे में। इसे डायरेक्ट किया है द मास्टरो मार्टिन स्कॉर्सेसी ने। ये चार्ल्स ब्रैंड के नॉन फिक्शन बुक आई हर्ड यू पेंट हाउसेस पर बेस्ड है। इसमें मेल लीड्स निभाए हैं रॉबर्ट डेनिरो, एल्पचिनो और जो पेस्की ने। पहले मैं आपको शॉर्ट में इसकी कहानी बताऊंगा, फिर बात करेंगे इसकी रियल कहानी के बारे में और लास्ट में बात करेंगे इसकी एंडिंग के बारे में। ये सब जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि मैं आपको फॉरेन सिनेमा की उन मूवीज के बारे में जानकारी दूं जो शायद आपको कहीं और ना मिले। इसलिए ऐसी ही और दिलचस्प मूवीज के बारे में जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मन और आप देख रहे हैं सिनेमैटिक ज्ञान। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों द आयरिशमैन शुरू होती है एक सुस्त और अजीब से दिखने वाले नर्सिंग होम में, जहां अपाहिज हो चुका फ्रैंक शेरिन व्हीलचेयर पर बैठा है और अपने पुराने दिनों को याद करते हुए हमें तब की कहानी सुना रहा है जब वो एक हिटमैन हुआ करता था। इसमें वो हमें उस वक्त की जिंदगी, जुर्म और अपने कलीग्स जिम होफा और रसल बफेलिनो के बारे में भी बताता है। इनके बारे में हम आगे जानेंगे। कहानी पहुंचती है फ्लैशबैक में। जगह फिलाडेल्फिया, डेकेड 1950s। डिलीवरी ट्रक ड्राइवर शेरिन अपने शिपमेंट्स का कुछ हिस्सा वहां के लोकल गैंगस्टर फेलिक्स डिटुलियो को बेचना शुरू कर देता है, जिसे सब स्किनी रेजर के नाम से भी जानते हैं। जब उसकी कंपनी इन चीजों पे ध्यान देकर उस पे चोरी का इल्जाम लगाती है तो वो अपने कस्टमर्स का नाम बताने से साफ इनकार कर देता है। तब यूनियन लॉयर बिल बफेलिनो उसे वहां से बचा लेता है। बिल शेरिन को अपने कजन रसल बफेलिनो से मिलवाता है। रसल एक बहुत ही पावरफुल आदमी है जो कि नॉर्थ ईस्टर्न पेंसिल्वेनिया क्राइम फैमिली का हेड है। शेरिन ने रसल और लोकल साउथ फिलाडेल्फिया अंडरवर्ल्ड के मेंबर्स के लिए काम करना शुरू किया, जिसमें मर्डर करना भी शामिल था। वो लोग उसको पेंटिंग हाउस कहा करते थे। जल्द ही रसल शेरिन को जिमी होफा से मिलवा देता है जो कि द इंटरनेशनल ब्रदरहुड ऑफ टीमस्टर्स का हेड है। इसने फाइनेंशियली बफेलिनो क्राइम फैमिली से हाथ मिला लिया है और वो अपने साथ के उभरते हुए टीमस्टर टोनी प्रो यानी एंथनी प्रोवेंजानो से निपटने के लिए संघर्ष कर रहा है। और तो और उस पे फेडरल गवर्नमेंट का प्रेशर भी बढ़ता जा रहा है। होफा काम के चलते शेरिन और उसकी फैमिली के काफी क्लोज आ जाता है, खासकर उसकी बेटी पैगी से, और शेरिन रोड पर होफा का चीफ बॉडीगार्ड बन जाता है। जॉन एफ कैनेडी के 1960 वाले इलेक्शन के बाद रसल थ्रिल्ड सा हो जाता है जबकि होफा का रंग कुछ फीका सा नजर आता है। शेरिन बाद में CIA की क्यूबन गवर्नमेंट को उखाड़ फेंकने की नाकामयाब कोशिश के लिए हथियार डिलीवर करने में मदद करता है। कैनेडी भाइयों की होफा के खिलाफ लड़ाई काफी बेरहम थी। शुरुआत में जब जॉन कैनेडी द सेनेट रैकेट्स कमेटी के लिए सर्व कर रहा था तब रॉबर्ट कैनेडी वहां का चीफ काउंसिल था। वहीं जॉन कैनेडी को इंटेंसिटी मिलती है और उन्हें अमेरिका का प्रेसिडेंट भी चुना गया और उन्होंने अपने भाई रॉबर्ट को अपना अटॉर्नी जनरल बना दिया। रॉबर्ट ने जस्टिस डिपार्टमेंट में 20 प्रोसिक्यूटर्स का स्क्वाड बनाया जिसका नाम था गेट होफा। इसमें होफा पे कई इल्जाम लगाए गए जैसे IRS रिकॉर्ड्स का मिसयूज। होफा ने इसका बदला नफरत से ही चुकाया और कुछ सालों तक उसी का पलड़ा भारी भी रहा। उसने कम एक्सपीरियंस वाले रॉबर्ट को सीनेट टेस्टिमनी में बेचैन कर दिया। उसने उसके जवान गर्म दिमाग का फायदा उठाया और उसे दिखा दिया कि वो क्या चीज है। होफा ने अपने खिलाफ चल रहे कुछ क्रिमिनल केसेस में तो जीत हासिल की, जिससे उसे स्ट्रेंथ और रैंक एंड फाइल यूनियन मेंबर्स का सपोर्ट मिला। पर इन सब चीजों के चलते आखिरकार 1964 में ज्यूरी से छेड़छाड़ के इल्जाम में होफा को अरेस्ट कर लिया गया। जब वो जेल में होता है तो उसके बदले में आया टीमस्टर टॉप फ्रैंक फिट्सिमन्स ग्रुप के पेंशन फंड लुटाना शुरू कर देता है और द माफिया को इंटरेस्ट फ्री लोन देने लगता है। होफा का प्रोवेंजानो से भी रिश्ता इस कदर बिगड़ गया जिसका ठीक हो पाना नामुमकिन था। वो खुद एक्सटॉर्शन के जुर्म में गिरफ्तार हो गया था। आखिरकार 1971 में प्रेसिडेंट
रिचर्ड निक्सन से मिली माफी के जरिए हॉफा को रिहा कर दिया गया। हालांकि उसे टीमस्टर के किसी भी एक्टिविटी में 1980 तक पार्ट लेने नहीं दिया गया। अपने पेरोल की शर्तों के बावजूद हॉफा ने ऑर्गेनाइज्ड यूनियन में अपनी पावर वापस पाने का एक प्लान बनाया। दूसरे टीमस्टर लीडर्स और उनके क्राइम फैमिली से इंटरेस्ट को लेकर हॉफा के दिल में उनके लिए डिसरिस्पेक्ट बढ़ रही थी और यही रसल की चिंता बनती जा रही थी। अक्टूबर 1973 में शिरीन के सम्मान में दिए गए टेस्टिमोनियल डिनर के दौरान रसल शिरीन से हॉफा को मिलकर चेतावनी देने और ये कहने को कहता है कि क्राइम फैमिलीज के हेड्स उसके बर्ताव से खुश नहीं हैं। शिरीन उसकी बात मानते हुए ऐसा करता है, पर हॉफा उसे इन्फॉर्म करता है कि वो चीजें जानता है जो रसल और बाकी डॉन्स नहीं जानते कि उसको पता है, और वो साथ ही साथ ये भी दावा करता है कि उसे कोई हाथ नहीं लगा सकता, क्योंकि अगर उसे कुछ भी हुआ तो उन सभी को जेल की हवा खानी पड़ेगी। 1975 में बिल की बेटी की शादी में जाते वक्त रास्ते में रसल शिरीन को बताता है कि हॉफा के साथ उनकी चीजें अब हद से बाहर हो चुकी हैं और उसकी मौत अब तय हो चुकी है। झिझकते हुए रसल शिरीन को बताता है कि ये काम करने के लिए उसी को चुना गया है। उसे डर था कि शिरीन हॉफा को वार्न करके बचा सकता है, इसलिए वो वहां से सीधा एयरपोर्ट गए जहां शिरीन प्लेन में डिट्रॉयट के लिए रवाना हो गया। शिरीन हॉफा को बताता है कि वो दिन की शुरुआत में ही टाउन पहुंच जाएगा, पर वो लेट हो जाता है और आफ्टरनून में पहुंचता है। हॉफा ने एक लोकल डिनर में प्रोवेंजानो और एंथनी गैकलोन के साथ मीटिंग तय की हुई थी। वो शिरीन को अपने अनसस्पेक्टिंग फॉस्टर बेटे चकी ओब्रायन और दूसरे गैंगस्टर सैली बक्स के साथ कार में आता देख सरप्राइज हो जाता है। वो हॉफा को बताते हैं कि मीटिंग अब एक घर में होगी जहां प्रोवेंजानो और रसल उनका इंतजार कर रहे हैं। शिरीन हॉफा को भरोसा दिलाता है कि सब कुछ ठीक है और हॉफा उनके साथ कार में बैठ जाता है। घर में घुसने के बाद हॉफा देखता है कि वहां तो कोई भी नहीं है और वो समझ जाता है कि ये सब उसे मारने की साजिश है। वो घर से भागने के लिए वापस मुड़ता है और यही वो पल होता है जब शिरीन उसे पॉइंट ब्लैंक रेंज पर दो बार शूट करता है और गन और उसकी बॉडी को एंट्रेंस पर ही छोड़कर चला जाता है। शिरीन के जाने के बाद दो यंग गैंगस्टर्स हॉफा की लाश को उसके सारे सबूत मिटाने के लिए क्रेमेटोरियम ले जाते हैं। हॉफा के गायब होने की ग्रैंड जूरी इन्वेस्टिगेशन में आफ्टर टेकिंग द फिफ्थ, शिरीन, रसल, प्रोवेंजानो और बाकियों को आखिरकार अलग अलग चार्जेस में दोषी पाया जाता है, जिसमें से एक भी हॉफा के मर्डर से रिलेटेड नहीं होता, और एक के बाद एक वो सब जेल में ही मरने लगते हैं सिवाय शिरीन के। आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं कि टेकिंग द फिफ्थ का मतलब क्या है। यूएस कॉन्स्टिट्यूशन के फिफ्थ अमेंडमेंट में एक क्लॉज होता है जिसका नाम है द सेल्फ इनक्रिमिनेशन क्लॉज। ये क्लॉज गारंटी देता है कि लोगों को बिना अपनी इच्छा के जबरदस्ती किसी भी सवालों के जवाब या कोई इंफॉर्मेशन देने की जरूरत नहीं है जिसका इस्तेमाल उन्हीं के खिलाफ कानूनी कार्रवाई में किया जा सके। इसका मेन मकसद ये है कि गवर्नमेंट को किसी पे दबाव बना के टॉर्चर करके या धोखाधड़ी करके बयान उगलवाने से बचाया जा सके। ऐसे बयानों को फिर सही नहीं माना जाता। इसी चीज को फिल्म में प्लीडिंग द फिफ्थ या टेकिंग द फिफ्थ के नाम से जाना जाता है। खैर, कहानी पे वापस आते हैं। शिरीन को आखिरकार रिहा कर दिया जाता है और उसे एक नर्सिंग होम भेज दिया जाता है। वो अपनी दूर हो चुकी बेटियों से रिश्ते सुधारने की कोशिश करता है, पर पैगी उससे सारे रिश्ते तोड़ लेती है। शिरीन नर्सिंग होम में असाइंड एक प्रीस्ट से मिलना शुरू करता है। प्रीस्ट शिरीन के रूम में उसे गिल्ट से मुक्त कर देता है। जब प्रीस्ट वहां से जा रहा होता है तो शिरीन रूम में अकेला होता है और वो हॉफा की आदत की ही तरह प्रीस्ट से दरवाजा हल्का खुला रखने को कहता है और फिल्म खत्म हो जाती है। दोस्तों, ये फिल्म देखने के बाद हम सोचने लगते हैं कि असल में ये फिल्म थी किस बारे में। तो जैसा कि हम जान चुके हैं, बेसिकली ये फ्रैंक शिरीन द आयरिशमैन, बफेलिनो फैमिली और जिमी हॉफा जैसे लोगों की जिंदगी की रीटेलिंग है, और अब हम जानेंगे इसकी ट्रू स्टोरी के बारे में। फ्रैंक शिरीन या टाइटल के मुताबिक कहें तो द आयरिशमैन ने खुद ये दावा किया था कि क्रेजी जो गैलो के मर्डर का जिम्मेदार वही था, जो कि एक हाई प्रोफाइल अनसॉल्व मॉब हिट था। इससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह थी
उसने जिमी होफा को मारने की बात को कबूल किया, जो कि एक और अनसॉल्व केस था। इसके अलावा भी उसने 25 या 30 लोगों को मारने का दावा किया और ये इतने हो गए थे कि वो असल में रियल काउंटिंग भी भूल चुका था। जहां तक शेरेन के गवर्नमेंट से ताल्लुक की बात है, तो इस बारे में उसने दावा किया कि उसने 1962 में CIA एजेंट ई हॉवर्ड हंट को फ्लोरिडा के एक डॉग ट्रैक में वेपन्स और यूनिफॉर्म्स डिलीवर किए थे बे ऑफ पिग इन्वेजन से पहले। ध्यान देने वाली बात यह थी कि इसके 10 साल के बाद हंट वाटरगेट स्कैंडल में जुड़े कई सेंधमारों में से एक बन गया था। शेरेन ने यह भी दावा किया कि उसने नवंबर 1963 में 3 राइफल्स भी डिलीवर की, जिसके चलते ली हार्वी ऑजवर्ल्ड ने 22 नवंबर 1963 को प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी की हत्या कर दी। इन सब के अलावा उसका जो सबसे धमाकेदार खुलासा था वो ये था कि वो $5,00,000 कैश में लेके वॉशिंगटन के हिल्टन होटल में पहुंचा था, जहां वो US अटॉर्नी जनरल जॉन मिचेल से मिला, जिसने उससे ये पैसा अपने बॉस प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन की रिश्वत के तौर पर ले लिया। अगर हम उसके इनमें से कुछ खुलासों पर नजर डालें तो कह नहीं सकते कि क्या सच है क्या झूठ, पर इनमें अगर रत्ती भर भी सच्चाई है तो वो वाकई क्राइम में एक सेंट्रल फिगर था। दोस्तों, अब हम बात करेंगे उस टॉपिक के बारे में जो इस फिल्म में सबसे ज़रूरी माना जाता है। यह है जिमी होफा का गायब होना। द आयरिशमैन सबसे ज़्यादा ये चीज़ दिखाती है कि किस तरह शेरेन मॉब फैमिलीज और जिमी होफा को जोड़कर रखता है। वो एक ब्रिज की तरह काम करता है, पर आखिरकार रसल के साथ रहने के लिए वो होफा से विश्वासघात करता है। स्कॉर्सेसी ने मॉब और होफा के उन्हें यूनियन पेंशन फंड से लोन ना देने की वजह से बिगड़ते रिश्तों को बखूबी दर्शाया है। अगर उस हिस्टोरिकल वर्जन की बात की जाए जिसमें ज़्यादातर लोग विश्वास करते हैं, तो ये प्लान टोनी प्रो ने बनाया था, जहां होफा का ही एक एसोसिएट कार चलाता है जो होफा को एक फेक मीटिंग में ले जाता है और वहां उसे टोनी प्रो नाम का हिटमैन सेल्वाटोर सैलीबर्ग्स ब्रिगुग्लियो मार देता है। शेरेन का काम यहां सिर्फ उसके दिमाग को शांत रखना था, क्योंकि उनका रिश्ता भरोसे पर टिका था। उसे मालूम था कि ये काम सिर्फ शेरेन ही कर सकता है। शेरेन की माने तो उसके बॉस रसल बफेलिनो ने डिट्रॉयट में ये सब सेटअप किया था। उसने घर में होफा को फॉलो किया, जहां वो ये समझ गया कि ये सब एक साजिश है। जब तक वो ये समझ पाता, इतने में शेरेन ने गन निकाल ली थी। फिर उसने जैसे ही भागने की कोशिश की, शेरेन ने उसको मार दिया और फिल्म की ही तरह यहां भी होफा की बॉडी डिसअपियर हो गई। एक्सपर्ट्स को शेरेन की इन बातों का कोई खास भरोसा नहीं था। होफा इन्वेस्टिगेशन को लीड करने वाले FBI एजेंट रॉबर्ट गैरेटी के मेमो में कई सस्पेक्ट्स के नाम थे। शेरेन का नाम उसमें डायरेक्टली होफा के मर्डर में इन्वॉल्वमेंट के तौर पर नहीं था, बल्कि होफा के गायब होने के मामले में उसके रोल पर था। सभी नोटेबल मॉब हिस्टोरियंस का मानना है कि शेरेन वो कातिल नहीं था। इसमें द टीमस्टर्स के ऑथर स्टीवन ब्रिल, मॉब लॉयर और फाइव फैमिलीज के ऑथर सेल्विन राब भी शामिल हैं, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली द होफा वॉर्स के लिए जाने जाने वाले डैन मोल्डिया, जिन्होंने इस चीज पे काफ़ी रिसर्च की है, वो शेरेन की इन बातों को सिरे से खारिज करते हैं। यहाँ तक कि उन्हें इस बात से भी अपमान सा महसूस हुआ कि द आयरिशमैन के लिए उनके रिसर्च के बजाय शेरेन के बयानों पर तवज्जो दी गई, और उन्होंने ये बात ब्रांड की बुक की सच्चाई के बारे में वॉर्न करते हुए रॉबर्ट डिनेरो को भी बताई थी, जिन्होंने यहाँ द आयरिशमैन का रोल प्ले किया है। यहाँ तक कि शेरेन खुद 1995 में इस मर्डर की बात को नकार चुके हैं। अब आते हैं अगले दावे पे, जो है क्रेजी जो गैलो की हत्या। जोई गैलो फैमिली के साथ अपना 43वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा था और वो कॉमेडियन डॉन रिकल की परफॉर्मेंस देखने कोपा कबाना क्लब गया। इसके बाद वो लिटिल इटली के उम्बर्टोस क्लैम हाउस में गया, जो वाइज गाइस के बीच एक न्यूट्रल जगह थी, पर फिर वहां उसे कोलंबो फैमिली के बदमाशों ने देख लिया। उसके बाद अपने बॉसेस के ऑर्डर्स पर एक हिट स्क्वाड वहां पहुंचा और उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। उनमें से एक था कर्माइन सोनी पिंटो डिबायस। उन्होंने गैलो को वहीं स्ट्रीट पर मरने के लिए छोड़ दिया। ऐसा माना जाता है कि कोलंबो फैमिली से उसकी लड़ाई ही इस हादसे का कारण बनी थी। शेरेन के मुताबिक क्रेजी जो ने रसल की बेइज्जती की थी
और फ्रैंक को उसे रास्ते से हटाने को कहा गया था। स्पाइज ने उसे गैलो की लोकेशन के बारे में जानकारी दी। फ्रैंक वहां पहुंचा और फायरिंग शुरू कर दी। इस तरह से उसने क्रेजी जो को रास्ते से हटाया। पुलिस इस कहानी को नहीं मानती थी क्योंकि उनके डिस्क्रिप्शन के मुताबिक वो आदमी लगभग 5 फीट 8 इंच लंबा, लगभग 40 की उम्र और रिसीडिंग काले बालों वाला था। ये हुलिया डिबायस से मिलता जुलता था, ना कि शेरेन से। यहाँ तक कि गैलो की वाइफ ने भी उसका हुलिया छोटा और मोटा इटालियन के तौर पर बताया था, ना कि लंबे आयरिशमैन की तरह। उस वक्त के जाने माने रिपोर्टर निकोलस गेज, जो मॉब स्टोरी पर काम किया करते थे, उन्हें भी ऐसा ही लगा कि शेरिन के दावे बिल्कुल बनावटी थे। चलिए अब आते हैं इस फिल्म की एंडिंग पर। होफा का गायब होना 20th सेंचुरी के सबसे बड़े अनसॉल्व क्राइम्स में से एक है। कई नई पीढ़ियों ने जिमी होफा का नाम सिर्फ कल्चरल ऑस्मोसिस के जरिए सुना, यानी कि जब इनडायरेक्टली कोई सोशल या कल्चरल नॉलेज बिना आपकी चाहत के आपके माइंड में इन्फ्यूज हो जाती है। इससे ये पता लगाया जा सकता है कि जब वो अपने पीक पर था तो वो कितना पावरफुल था। होफा वो एक्टिविस्ट था जिसने नेशनल मास्टर फ्रेट एग्रीमेंट के जरिए टीमस्टर्स रेट के लिए 1964 में पहला नेशनल अग्रीमेंट सिक्योर किया। उसकी लीडरशिप में टीमस्टर्स मेंबरशिप के मामले में यूनाइटेड स्टेट्स की सबसे बड़ी यूनियन बन गई थी, जिसमें एक दौर में लगभग 23 लाख लोग भी शामिल थे। उसकी यूनियन मैनेजमेंट की तरह ही ऑर्गेनाइज क्राइम में उसकी मौजूदगी के बारे में भी काफी लोगों को मालूम था। उसके सामने कई बड़ी क्राइम इन्वेस्टिगेशंस आई, पर वो उन्हें कई साल तक तब तक नजरअंदाज करता रहा जब तक रॉबर्ट एफ कैनेडी ने अपनी कमिटीज के जरिए उस पर फोकस करने का फैसला नहीं ले लिया, और उसके बाद जो हुआ वो तो हम सभी जानते हैं। बफेलिनो ने शेरेन को कहा था कि होफा की मौत बिल्कुल भी पर्सनल नहीं है, ये सिर्फ बिजनेस की भलाई के लिए है, और क्योंकि फ्रैंक टेक्निकली उसके लिए काम करता है तो ये किसी भी हाल में उसके लिए भी पर्सनल नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये चीज वो कई बार कर चुका है। इस बात का सेंस इसलिए भी ज्यादा बैठता है क्योंकि कहीं ना कहीं शेरेन और होफा की दोस्ती को बढ़ाने में बफेलिनो ने ही जानबूझकर मदद की थी। होफा जितना भरोसा शेरेन पे करता था उतना कोई किसी अपने से ही कर सकता है। इस बात का सबूत तब मिलता है जब वो उस खाली घर में घुसने के बाद सबसे पहले ये चेक करता है कि फ्रैंक ठीक है या नहीं। तो सीधे सीधे अगर कहें तो शेरेन के पास असल में कोई पावर थी ही नहीं, वो सिर्फ उतना ही करता था जितना उससे कहा जाता था, जैसा कि वो बफेलिनो क्राइम फैमिली से हाथ मिलाने के बाद करता आया था। ये फ्रैंक के लिए बिल्कुल पर्सनल था, फिर भी उसने इसके लिए मना नहीं किया, जो कि उसकी सबसे बड़ी गलती थी। और हम इससे एक ही चीज जहन में लेकर जाते हैं कि इस हिंसा की बीमारी ने शेरिन की पूरी दुनिया पर कब्जा कर लिया था। इन सब चीजों के बारे में जानकर हमारे मन में एक सवाल उठता है कि द आयरिशमैन का असली मतलब है क्या। द आयरिशमैन में हमें स्कॉर्सेसी की पुरानी क्लासिक फिल्म्स गुडफेलाज और कसिनो जैसी कई समानताएं देखने को मिलती हैं, जिन्हें काफी सराहा भी गया। लेकिन इस फिल्म की सबसे बड़ी खूबसूरती जो बसती है वो है इसमें भरी हुई उदासी में। शेरेन की जिंदगी में ऐसी कोई भी चीज नहीं है जिसे देखकर हम ये कह सकें कि काश हमारी जिंदगी में भी ऐसा कुछ होता। जो सभी चमक दमक इन सभी लोगों की जवानी में थी वो उनके बूढ़े होते होते कहीं गायब सी हो गई है। जो जिंदगी इन्होंने अपने लिए चुनी है ये हर दिन उसी के बोझ के नीचे दबे जा रहे हैं। पावर को हासिल करने का जुनून या विश्वासघात चाहे किसी का भी हो, पर इसमें कोई गर्व की बात नहीं है। और शेरेन के पास तो वैसे भी कोई पावर है ही नहीं। उसकी जिंदगी किसी पालतू कुत्ते के जैसी होकर रह गई थी, जो अपने मालिक बफेलिनो की हर बात मानता था बजाय इसके कि ये उसके हित में है या नहीं। ये फिल्म ऐसे ताकतवर बूढ़े आदमियों के बारे में है जिन्हें वक्त आते आते दो चीजों का एहसास हो जाता है, एक कि आखिरकार एक ना एक दिन उन्हें भी मरना है, और दूसरी ये वो अपने बाद में आने वाली पीढ़ियों के लिए ऐसी विरासत छोड़कर जा रहे हैं। शेरेन के बयानों की सच्चाई को परखें तो द आयरिशमैन ना चाहते हुए भी वक्त के किसी दौर और यादों को लेकर किसी के नजरिए के बारे में बन जाती है। और अगर ऐसा सोचें तो शेरेन ने होफा को मारा या नहीं इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो जिंदगी उसने उसके बाद अपने लिए चुनी वो किसी भी वजह से उसे सेटिस्फाई नहीं कर पाई, ना इससे उसका कोई साथी खुश था। सीक्रेट सी जिंदगी गुजारना उनके लिए दम घुटने जैसा था,
और शायद इसके चलते वो ये भी भूल चुके थे कि उन्हें अब ये भी नहीं पता था वो एक दूसरे को मार क्यों रहे हैं। शायद वो ऐसा इसलिए कर रहे थे क्योंकि इसके अलावा उन्हें कुछ आता ही नहीं था। आखिर में सभी अकेले होते हैं और एक एक करके मर जाते हैं। फ्रैंक के पास कहानी सुनाने के लिए कोई और नहीं होता सिवाय दिलचस्पी ना रखने वाली नर्सेज, दूर रहने वाले पादरी और हम जैसी ना देखने वाली ऑडियंसिस के। इससे वो हमें और भी ज़्यादा खाली सा नज़र आता है। शेरिन एक ऐसे रास्ते को रिप्रेजेंट करता है जिसमें बाकी लोग जाने की इच्छा बिल्कुल नहीं रखते। और आखिर में एक ही बात कहना चाहूँगा कि द आयरिशमैन ख़त्म होती है पास्ट की उन बातों में, हल्के खुले दरवाजे के साथ, जहाँ किसी की भी अपने पास्ट में वापस जाने की इच्छा बिल्कुल नहीं है। तो दोस्तों ये था द आयरिशमैन का एक्सप्लेनेशन। आई होप आपको भी ये मूवी ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आ गई होगी और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए। अगर आपके कुछ सवाल या ओपिनियंस है तो उन्हें कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए। इस वीडियो को शेयर कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।